विवियन ने खेली है मास्टर गेम। भाई इस मास्टर गेम के बारे में जब मैं कब से देख रही थी कि ये बंदा कर क्या रहा है, ये बंदा कर क्या रहा है, आखिर में मुझे समझ आया तो अच्छा हुआ। ये बंदा 2 दिन से, कल रात से ये बंदा ये करने के लिए लगा हुआ है। सिर्फ एक छोटी सी चीज को इस बंदे ने साबित करने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा घर के अंदर, जिसके बारे में सुन के आप लोगों को डेफिनेटली काफी ज्यादा हंसी आने वाली है, क्योंकि ये खुद भी हंस रहा था। विविन खुद भी हंस रहा था। कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहत पांडे जो है लिविंग एरिया में, चाहत पांडे ही है ना इसका नाम, चाहत, हाँ, तो चाहत जो है लिविंग एरिया में ही डबल बेड पे लेटी हुई है। पर विविन का कहना ये है कि भाई इसका बेड अंदर भी श्रुतिका के पास है और बाहर भी है, तो इसको जो है बेड आखिरकार दे देना चाहिए। तो करणवीर और सब लोग जो है इसके बीच में जो है इन लोगों की थोड़ी बहुत बहस भी हुई, तो घर वालों ने जो है आखिरकार चाहत का ही साइड लिया। तो चाहत का कहना ये भी है कि अगर मैं विविन को, अगर श्रुतिका को मना के अगर मैं बाहर वाले बेड पे, डबल बेड पे ले आती हूँ, अंदर वाला बेड अगर खाली भी हो जाता है तो विविन को अंदर जाना ही नहीं है, और अगर मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे अंदर नहीं जाना है, क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा स्नोरिंग की आवाज़ होती है, खर्राटे होते हैं, तो मुझे उस आवाज़ में जो है वो नींद नहीं आती है। पर एक बात ये है कि इसको कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ये बात जो है चाहत ने बोली, और सच्ची में एक्चुअली में विवियन को बेड चाहिए ही नहीं। इतनी सब चीजें बवाल करने के बाद विवियन जो है बाहर आके आराम से अकेले में हंसते हुए दिखाई दिया। तो करणवीर ने पकड़ लिया। करणवीर ने बोला, भाई तुझे चाहिए क्या? बोला, भाई मेरे को चाहिए ही नहीं है बेड, मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मेरे को सोना कहाँ है, वो कोने में 2 सोफे हैं ना, उनको जोड़ के मैं वहां पर सो जाऊं और मेरा एकदम सेट है। मैं तो इनका असली चेहरा सामने लाना चाहता था। वो बोला, कैसे? भाई फिर विवियन ने अपने षड्यंत्र बचाया बताया। उसने बोला, देख भाई मैं आया था सबसे लास्ट में। बोला, हाँ। बोला, मुझे बेड चूज करने का मौका ही नहीं मिला। बोला, अच्छा। बोला, पर ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुमको भी बेड चूज करने का मौका मिला था, पर मैं जब आया था तब मैंने एक बेड के ऊपर बॉटल रखी, तो अब ये जो सब चीजें हुई है ना, तब इन्होंने आखिरकार खुद के मुंह से मान लिया कि जहां पर तुमने रखा था पानी का बॉटल, वो पानी का बॉटल रखी हुई जगह जो है किसी और ने ऑक्यूपाइड कर ली थी, तो तुम्हारी पानी की बॉटल हटा दी थी। यानी इसका मतलब करणवीर भाई क्या हुआ, मेरे को मौका ही नहीं मिला ना बेड चुनने का। बोला, हाँ भाई। तो इतना बड़ा षड्यंत्र इसने, विवियन ने इसलिए रचा, इसको बेड नहीं चाहिए, ये इतना बड़ा ड्रामा इसलिए कर रहा था क्योंकि ये साबित करना चाहता था कि इसको मौका नहीं मिला। तो सब लोगों को मौका मिला पर इसको मौका नहीं मिला, पर सब लोगों ने बोला कि तुझको भी मौका मिला, तो भाई मेरे को मौका नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें घर के अंदर हो रही है। तो आई होप गाइस आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। विवियन जो है मजाकिया भी है, सीरियस भी है, और थोड़ी उंगलीबाजी भी करता है, उंगलीबाजी कर रहा है। और करणवीर का कहना ये है कि भाई मेरे को पता तू कंटेंट के लिए कर रहा है ना। वो बोला, भाई कंटेंट के लिए मैं थोड़ी ना करूँगा, मैं तो इनकी असलियत सामने लाना चाहता था। अब आपका क्या कहना है बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ साथ साथ, नमस्कार।